मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। श्रीदेवी की मौत को लेकर सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नई दिल्ली की एक जांच एजेंसी ने दावा किया है कि श्रीदेवी की मौत महज एक हादसा नहीं है, बल्कि वो सोची समझी साजिश का शिकार हुई है। दिल्ली के पूर्व SP वेद भूषण की निजी जाँच एजेंसी पुलिस सोल्यूशन इंडिया का दावा है कि उन्होंने दुबई के उस होटल में जाकर छानबीन की है जहाँ श्रीदेवी का निधन हुआ था। गौरतलब है कि 24 फरवरी को दुबई के होटल जुमायरा मैरियट्स में श्रीदेवी की मौत हुई थी और दुबई पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम में दुर्घटना बाद टब में गिरना इसका कारण बताया गया था। वेद भूषण की एजेंसी ने रविवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। के पास हमारी टीम के पास पूरा पेपर फुल नॉट है, फुल रिपोर्ट, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी रिपोर्ट पर नहीं पहुंच सकती कि डेथ किन हालातों में हुई है। जितना इन्होंने बताया है कि डेथ के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो जानने को कोशिश करती है कि क्या इसके मरने पर इसके जो बेनिफिट्स हैं, कौन को किसको बेनिफिट्स इसको मिलेंगे। यदि श्रीदेवी की डेथ हो जाती है तो इसके लीगल हायर्स कौन है, यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई इंश्योरेंस है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, किसी ने पिटीशन लगाया कि ओमान के अंदर 240 करोड़ रुपए का उनका इंश्योरेंस था, यदि वो इनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का क्लेमेंट कौन होगा, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली में भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, दुबई में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही निम्न तरीके से की गई, बहुत लोअर लेवल पे उसकी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। जो पब्लिक डोमेन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं केवल एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट्स है, इसमें लिखा है टू हूम इट मे कंसर्न, और उसमें केवल श्रीदेवी का नाम, उनका पासपोर्ट नंबर और लास्ट में लिखा गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। इसमें एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का जो वर्ड है, यदि ध्यान से आप उसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो वो भी मिस्टेक है। मुझे नहीं समझता, दुबई पुलिस के बारे में बताया जाता है कि बहुत एडवांस पुलिस है, इस तरह की छोटी सी भी मिस्टेक इस सादा कागज के अंदर कहाँ रह गई। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग होटल में पहुंचे, जुमेरा एमिरेट्स होटल है, इसे 5-स्टार होटल और बहुत लग्जीरियस होटल है, तो हमने वहाँ के पुलिस के तरीके से, सीक्रेट तरीके से, डिटेक्टिव के तरीके से जानने की कोशिश की कि जिस दिन श्रीदेवी की डेथ हुई उस दिन कौन कौन यहाँ स्टाफ मौजूद था, CCTV की क्या पोजीशन थी। किसी ने कोई बताने के लिए राजी नहीं है, ना पुलिस कोई बताने के लिए राजी है, ना होटल का स्टाफ बताने के लिए राजी है। दे आर टाइट लिप्ड। कॉल डिटेल्स के बारे में पूछा गया कि क्या कॉल डिटेल्स निकाली गई, बोनी कपूर की कॉल डिटेल्स, श्रीदेवी की कॉल डिटेल्स, या कौन कौन लोग जब तक बोनी कपूर इंडिया में रहे, बॉम्बे में रहे, किन किन लोगों से उनके कांटेक्ट हुए, क्या पुलिस ने इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की, जो कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, वर्ल्ड वाइड तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। मेरी ओपिनियन ये है इसके बारे में, ये प्रॉपर, इट वाज नॉट ए प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इट वाज डन इन ए वेरी हेस्टी मैनर, इट वाज डन इन ए वेरी हेस्टी मैनर, देयर वाज नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, रादर आई शुड से इन्वेस्टिगेशन वाज जीरो, देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन एट ऑल। दे आर साइलेंट अबाउट ब्लड सैंपल्स, देयर रिपोर्ट्स आर साइलेंट अबाउट लंग्स। जब आदमी मरता है पानी में डूब के तो उसके अंदर लंग्स के अंदर पानी जाता है, एंड दिस रिपोर्ट इज साइलेंट, एंड देयर इज नोबडी टू टेल कितना पानी उनकी बॉडी के अंदर गया। एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि डेड श्रीदेवी ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, तो क्या वो सफिशियंट था पानी के, उसमें डूब के मर सकती थी। शिवदे बहुत बड़ी डांसर थी, उनकी जो बॉडी थी, उनका जो स्ट्रक्चर था, वो जिम की बहुत शौकीन थी। जो इतनी हेल्दी लेडी हो, क्या वो इतना रेजिस्ट नहीं कर सकती अपनी बॉडी को निकालने के लिए।